अदरवाइज हम लोग जाएंगे आइसिंग मॉल, उसके बाद जो हमें और ये देखिए जीजू थकने के बाद इतना ज़्यादा सॉस डाल रहे हैं चाउमीन पे, इसीलिए जीजू डाल रहे हैं। कैफे रेस्टोरेंट यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है आपको। सो गाइज़ ये हम लोग आ चुके हैं रामनगर का किला घूमने, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो गाइज़ ये है रामनगर का किला और यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर चलते हैं। म्यूजियम घूमने, बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आप लोगों को अंदर का व्यू नहीं दिखा देती, बट बाहर का बैकग्राउंड आप लोगों को जरूर दिखा देती हूँ। देखिए ये सारा रामनगर का किला है, अंदर बहुत चीज़ें थी देखने के लिए। अभी हम लोग रिव्यू लेंगे, जीजू से लेंगे और गणेश से लेंगे, क्या कहेंगे लोग देखने के लिए। कितना पुराना किला है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप लोग भी मस्त आकर यहाँ पर विजिट करिएगा। और अंदर इतने अच्छे अच्छे स्पॉट थे सब, बहुत सारे सारी क्वींस के ड्रेस थे, किंग के थे ड्रेसेस वहाँ पर, और अवार्ड जो मिला था पुराने ब्रिगेडियर जो थे उनका, मतलब वो लोग कुछ किंग यहाँ के जो किंग थे उनको गिफ्ट किए थे, तो उन लोग का भी अवार्ड टाइप में रखा हुआ है अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ कैमरा लगा है, तो आगे ब्लॉग लेते हैं अंदर। यहीं पर वो रहता था वो जो टॉप वाला था ना। सो गाइज़ हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, गंगा जी का घाट है, इधर कैमरा अलाउ है, सो हम लोग सोचे कि यहाँ का ब्लॉग में ले लेते हैं। पंडित जी से बोलते हैं बताएंगे बताएंगे। पंडित जी मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे राजा साहब गंगा स्नान करके पूजा उजा करते थे यहाँ पे। कौन राजा थे? महाराजा विभूति नारायण सिंह। विभूति नारायण सिंह, अच्छा उन्हीं का महल है क्या ये? ये उनके पूर्वज का महल है। अच्छा, ये उनका पुराना पर्सनल मंदिर है रामेश्वर जी का। एक मंदिर आगे व्यास मंदिर है, ये दो मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ तक लोग आते हैं, दर्शन का बहुत। अभी राजा जी के वंशज हैं यहाँ पे कि हैं? अच्छा,
लोगों लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं लोग। महल के जो राजा थे इनके जो भी बच्चे थे जो भी उत्तराधिकारी थे लोग वो लोग फॉरेन में रहते हैं और कुछ लोग दिल्ली में भी रहते हैं, बट अभी वो लोग आते हैं जब रामलीला होता है तब आते हैं। वो दिखता है कॉल करो जब, हाँ इसको डक ही बोलते हैं, पूजा दीदी डक बोली, इसको डक बोलते हैं ना। गिर जाएगा तो कौन सा जाएगा, इतने हो जाएगा तुम्हारी मोबाइल चला जाएगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मंदिर है क्या पता नहीं है। So guys, ये देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर भी शंकर जी का टेम्पल है, यहाँ पर दो शंकर जी का टेम्पल है जो अभी पंडित जी साफ कर रहे हैं। आपको एक चीज दिखा देते हैं, अंग्रेजों के टाइम का तो भाई इसमें पूजा जी को बैठा के उड़ा दिया जाएगा। ये अंग्रेजों के टाइम का है और पूजा जी इसके सामने आ चुकी है, बस इसको हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, कुछ इसका काम नहीं करेगा। इसका बैरल जाम है, देखो यहीं से तोप का गोला जो है ना यहीं से निकलता है। ये मैं खड़ी रहूंगी, फोटो खींचिए। बट ये वर्क नहीं करेगा, देखो ये है लीवर और ये है इससे, इसमें तोप का गोला डाला जाता है और ये लीवर खींचा जाता है जिससे कि तोप पूजा दी उड़ जाएगी। फायर होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा भी उड़ा देंगे। पूजा दी को देखिए निशाना बनाएगी, पूजा दी सामने थोड़ा सा आओ। सो गाइस अभी ये सामने नहीं आ रही, सो घर पे उड़ा दिया जाएगा तोप से, कोई बात नहीं। सो गाइस अभी हम लोग रामनगर के म्यूजियम में आए थे, इसका बहुत ही इसके अंदर इतनी पुरानी पुरानी ओल्ड चीज़ें आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पर मस्त आके विजिट करिएगा। और जस्ट इसके पीछे घाट है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, आप लोग यहाँ पर मस्त आके घूमिएगा। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार विजिट करिए और अपने इंडिया में भी देखिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे जगह हैं और ख़ासकर तो बनारस, बनारस में आप लोग को हर चीज़ मिलेगा। सो अभी आप लोग रामनगर का किला देखिए और अभी हम लोग चलते हैं अपने वापस डेस्टिनेशन पर और उसके बाद देखते हैं क्या कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, तब तक के लिए बाय।